जहां एक तरफ युवाओं में नौकरी लेने की होड़ सी मची हुई है, वहीं कुछ युवा समाज में ऐसा कार्य कर रहे हैं जो दूसरों के लिए नजीर साबित हो रहा है। कुछ ऐसा ही किया है गोरखपुर की रहने वाली रुचिका श्रीवास्तव ने, जिन्होंने ऑर्गेनिक चॉकलेट के माध्यम से लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य किया है, जिसमें आलमंड, नट, डार्क चॉकलेट सहित लगभग 25 तरह के विभिन्न फ्लेवर के चॉकलेट को बनाने का वो काम करती हैं। उनके पास चॉकलेट बर्थडे पार्टीज के लिए, वेडिंग के लिए खूब डिमांड में है। देना था उसको, दे दिए। देखा दुकान का लिखा था ऊपर, विश्वविद्यालय। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए रुचिका श्रीवास्तव ने बताया, सर ये होममेड चॉकलेट्स का मैंने लगाया हुआ है। इसमें आमंड चॉकलेट, नट्स चॉकलेट, डार्क चॉकलेट है। ऐसे हमारे पास 25 टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स हैं चॉकलेट के, और अभी बहुत सारे फ्लेवर्स कमिंग सून में हैं, जस्ट लाइक पान चॉकलेट, ठंडाई वगैरह। ये सारी चीज़ें हम सीजनली बनाते हैं, होली एंड ऑल दैट, इन सारी चीज़ों पर बनाते हैं। प्रेरणा कहाँ से मिली इस तरह के काम? सर मेरे वहाँ पेरेंट्स मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, तो मेरा ये था कि मुझे जॉब में जाना ही नहीं है, किसी भी जॉब में नहीं जाना। एक स्टार्टअप हो, स्टार्टअप से मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना था, वुमेन एंटरप्रेन्योर। क्योंकि मैं जिस जगह से हूँ वहाँ पे एक ही शिक्षा दी जाती है, बेटा पढ़ो, जॉब करो, नहीं तो फिर शादी करो। तो ये नहीं करना था सर, मुझे एक वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना था। तो उसकी स्टार्टिंग के लिए सर मैंने अभी यहाँ से शुरुआत किया है अपना, और अभी मैं गोरखपुर में काम कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने कानपुर, नेपाल, टांडा, अयोध्या तक अपने भेजे हैं चॉकलेट सारे, वेडिंग्स के लिए, बर्थडे पार्टी, रिटर्न गिफ्ट्स। इसके अलावा चॉकलेट बुके वगैरह भी बनाती हूँ। रिस्पांस कैसा है? सर रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिला है। मार्केट में सबका ये कहना है कि मार्केट में जो भी चॉकलेट्स आते हैं उससे ज़्यादा अच्छे हैं, और सबसे अच्छी बात यह सर कि ऑर्गेनिक है, फ्रेश चॉकलेट है। हम बना के इसको बहुत लंबा टाइम तक स्टोर नहीं करते हैं, और ना ही इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल का यूज़ करते हैं।